सो हेलो एवरीवन, दिस इज कुमार केशव फ्रॉम आईएएस मैथ्स एकेडमी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, जो हम अपना सीरीज चल रहा था उसका पार्ट 4 आज हम लोग देखेंगे। और काफ़ी सारे जो करंट इवेंट्स हुए हैं इन द रिसेंट 1 to 1.5 ईयर्स, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे आपके आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप जरूर इस वीडियो के बाद आप देख लीजिएगा उन सारे वीडियो को, क्योंकि इन वीडियो को देखने के बाद आपको, जब आप एग्जाम देंगे, तो उस दिन आपको पता चलेगा कि काफी सारे क्वेश्चन इन वीडियो में हमने पहले से ही कवर अप कर चुका है। ठीक है, तो जरूर से वीडियो को देखिए और अपने स्किल्स को इनहांस कीजिए, सो दैट यू कैन क्रैक योर प्रीलिम्स विद वेरी इजी एफर्ट एंड श्योर एंड सर्टेन। ठीक है, तो आप जल्दी से ज्वाइन करें इस लाइव सेशन को, सो दैट वी कैन स्टार्ट सेशन फर्दर। वी विल टेक 2 to 3 मिनट्स सो दैट एवरीवन विल ज्वाइन द सेशन। बच्चे सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, हम लोग को काफ़ी सारे चीज़ें आज करना है। और करंट अफेयर का ये सीरीज चल रहा है, पार्ट 1, 2, 3, आज फोर्थ पार्ट हम लोग देख रहे हैं। आगे आने वाले दिन में, 10 दिन में, काफ़ी सारे और सीरीज़ में इनहांस करूँगा पार्ट को। मिनिमम 7 to 8 वीडियो मैंने पहले भी बोला था कि इसको कराना है, तो इट्स जस्ट फॉर योर सेक ऑफ योर प्रिलिम्स एग्जामिनेशन विच इज़ अप्रोचिंग डे बाई डे टूवर्ड्स यू। ठीक है, तो आप जल्दी से इस सेशन को ज्वाइन करें और इस सेशन से बेनिफिटेड हो। अपना जो मिशन है इस वीडियो को लॉन्च करने का, 1 घंटे का समय आपके साथ इन्वेस्ट करने का, तो उसका सबसे बड़ा जो मोटिव है हमारा कि आपका कुछ फ़ायदा हो जाए, और जिससे कि आप 10 10 12 क्वेश्चन भी अगर आ जाते हैं यहाँ से, तो 50 क्वेश्चन आपका कट ऑफ जा रहा है। 10 12 क्वेश्चन अगर आपने यहाँ से किया है, देन इट्स वेरी गुड सो दैट यू कैन अप्रोच टुवार्ड्स द कट ऑफ फ्रॉम द राइट हैंड साइड। आप अप्रोच कर जाओगे और आपका जो नंबर है इतना आ जाए कि श्योर एंड सर्टेन आप रहो कि आपका प्रीलिम्स हो जाए, क्योंकि कहानी प्रीलिम्स के होने के बाद ही शुरू होता है यूपीएससी के एग्जाम में। जब तक आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं करेंगे, तब तक फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, सो प्लीज ज्वाइन द सेशन, वी विल स्टार्ट सून। ओके, सो वी आर लाइव, सो वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक ऑफ द डे। एंड द टॉपिक ऑफ द डे इज ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में कई बार आया है, ये न्यूज़ में रहा है इंपॉर्टेंट द हिंदू के न्यूज़पेपर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको अच्छे से ध्यान से एक एक चीज़ इसका याद रखना, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव में इसका क्वेश्चन आपको बन सकता है। तो सबसे पहला चीज़ होता है कि कोई भी इंडेक्स है, चाहे कोई भी रिपोर्ट है, तो उसको कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उसको निकालती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है, सो आप यहाँ पे नीचे देखो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि एक एनजीओ टाइप है ये। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, आप इंस्टीट्यूशन बोल सकते हो, नॉट एन एनजीओ एक्चुअली। सो इसमें ये टेररिज्म का इंडेक्स बताता है और बता रहा है कि सबसे फर्स्ट नंबर पर टेररिज्म से सबसे ज्यादा जो इम्पैक्टेड है वो कंट्री कौन सा है, तो अफगानिस्तान है। वॉज द कंट्री मोस्ट इम्पैक्टेड बाई टेररिज्म इन 2018, रिप्लेसिंग इराक विच वॉज हेल्ड पोजिशन सिंस 2004।
तो ये चीज आपको याद रखना है कि नंबर वन पोजीशन पे अभी इम्पैक्टेड अगर पूछेगा तो आपको अफगानिस्तान देना है, इराक नहीं देना है, ठीक है। वहां पे इंडिया भी दे सकता है, वहां पे इसराइल भी दे सकता है, वहां पैलेस्टीन भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। तो मोस्ट इफेक्टेड कंट्री सिंस 2004 टू 2017 वाज इराक, एंड नाउ अफगानिस्तान हैज रिप्लेस्ड इराक एंड टेकन द प्लेस ऑफ मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्री फ्रॉम टेररिज्म। आप जानते हैं कि वहाँ तालिबान ग्रुप और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर लगता है सो पाकिस्तान से लगता है और उधर तालिबान से लगता है। तो तालिबानी जो हक्कानी नेटवर्क्स है और सारे कई सारे वहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कई बार आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, है ना। तो पाकिस्तान में भी वो अटैक कराता है, अफगानिस्तान में भी अनस्टेबिलिटी वहाँ पे करते रहता है। अफगानिस्तान से रिलेटेड एक न्यूज है जो कि मैंने पिछले वीडियोस में कराया है, 6+2+1। तो इसमें 6+2+1 में कौन कौन से कंट्री है, क्या इंडिया है कि नहीं, इसके बारे में आप मैंने पूरा डिटेल में बताया था पिछले बार। 6+2+1 मतलब अनस्टेबिलिटी हटाने के लिए, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी को रिमूव करने के लिए कहाँ से, तो अफगानिस्तान से इस समिट का, इस मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो इसमें ग्रुप्स में कौन कौन थे, दो है, दो 2+1 है, मतलब 2+1 यहाँ पे एक यूएसए था प्लस रसिया था, ठीक है, और 1+1 में ये अफगानिस्तान खुद था। और उसके बाद यहाँ पे कुछ और कंट्रीज थे जो आपको देखना पड़ेगा, तुर्कमेनिस्तान था, तजाकिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, ठीक है, पाकिस्तान था, ईरान था, और दो कंट्री थे सऊदी अरबिया एंड वन मोर कंट्री वॉज देयर। आप देख सकते हो कि लास्ट वीडियो में इसके बारे में हमने पूरा डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में नंबर वन पोजीशन पे अफगानिस्तान आ गया, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि सोर्स क्या है इसका, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस है। ग्लोबल रैंकिंग में आप देखिएगा तो इंडिया का कितना नंबर है, तो वो भी चीज आप देख लीजिए यहाँ से। सिंस 2002 ऑल द कंट्रीज हैव रिमेंड ऑन द 10th इम्पैक्टेड लिस्ट अपार्ट फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, है ना। और यहाँ पे और भी चीज देख सकते हो कि डेथ्स फ्रॉम टेररिज्म हाफ इन द लास्ट 4 ईयर्स। तो ये भी पूछ सकता है कि लास्ट 4 to 5 ईयर्स में क्या हो रहा है, कि टेररिज्म का जो डेथ हो रहा है सो वो कितना हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो गया है, लेकिन कंट्री अफेक्टेड है सो ग्रोइंग है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आपको देखना चाहिए। एक चीज छूट रहा है इसमें, इंडिया का इसमें पोजीशन क्या है, तो आप उसको नेट पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, सो इस चीज को आप ध्यान रखें। और इस बार का जो थीम था सो पीस मेकिंग एंड पीस रिबिल्डिंग था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स था। तो यूएन पीस मिशन भी आपको जानना चाहिए क्या होता है क्या नहीं, तो आएगा स्लाइड में ही तो मैं बताऊंगा। अब देखो कि अभी ये जो कोरोना फेज जो चला है 3 महीने का लॉकडाउन, तो उसमें काफी सारे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस कोरोना वायरस कोविड-19। तो इसमें जो इकोनॉमी है वो भी इम्पैक्टेड हुआ है, ठीक है, रिसेशन टाइप का माहौल है, कोई इंडस्ट्री नहीं चल रहा था, जिसके कारण है सो अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ बिल्कुल नीचे चला गया। इंडिया का आप जीडीपी अभी देखो तो -24% जो जीडीपी ग्रोथ रेट है अभी वहां तक पहुंच चुका है। तो निगेटिवली इतना इम्पैक्ट है। सिर्फ एक कंट्री चाइना है जिसका जीडीपी पॉजिटिव में जा रहा है, +3 के साथ वो अपना दिखाया है कि +3 के साथ उसका इकोनॉमी ग्रो हो रहा है। और कुछ कंट्री है जिसका +1 +2 है, आयरलैंड, स्वीडन, ये सब ऐसे कंट्रीज जो आपके आर्कटिक कंट्रीज के भीतर आते हैं। EU का क्या उसमें कंडीशन था, EU भी इफेक्टेड रहा है, यूरोपियन यूनियन, और उसी से यहाँ पे फंड के कमी होने के कारण कोरोना बॉन्ड को EU ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ EU में ही लॉन्च हुआ है, कोरोना बॉन्ड काफी सारे कंट्रीज में लॉन्च हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन अगर आता है कि विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विच ऑफ द कंट्री, विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव रिसेंटली लॉन्च कोरोना बॉन्ड्स, तो अगर उसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, EU और AIIB कुछ ऐसा ऑप्शन देता है, तो वहाँ पे यूरोपियन यूनियन आपको डालना है, ठीक है, वहाँ पे कर दोगे आप, ठीक है। और भी सारे बहुत सारे कंट्री है अपने अपना लेवल पे कोरोना बॉन्ड को इश्यू कराए हैं, ठीक है। तो ये जो
कोरोना बॉन्ड कहाँ से आ रहा है? तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, ये भी इम्पोर्टेंट है आपको, ये वर्ल्ड बैंक से नहीं आ रहा है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से आ रहा है। तो इसके कंट्री में कौन कौन से हैं यू में? तो स्पेन है, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, आयरलैंड, पोर्तुगल और ग्रीस और स्लोवेनिया। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज इसमें आ रहे हैं। कुछ कंट्री इसमें नहीं आ रहे हैं जो कि फ्रूगल फोर जिनको बोलते हैं, ठीक है, जो हमेशा इनका अपोज करते हैं, कंजर्वेटिव ईयू स्टेट्स हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से फ्रीगल फोर में आते हैं? एक होता है फ्रेजाइल फाइव कंट्री, फ्रेजाइल फाइव, ठीक है, और एक है फ्रूगल फोर। तो ये ध्यान रखिएगा, एक होता है क्वाड होता है ना, क्वाड के बारे में हमने चर्चा किया था। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे कंट्री है, ठीक है, एक कॉफी ग्रुप है। तो ये सब चीज एग्जाम में आ चुका है, कॉफी ग्रुप के बारे में भी क्वेश्चन 2016 में आया था। ठीक है, तो G4 क्या है, G7 क्या है, G20 क्या है, तो आपको बहुत ही अच्छे से एक एक चीज देखना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं अभी कोरोना बॉन्ड पे। तो कोरोना बॉन्ड कौन किया है इशू? तो यूरोपियन यूनियन देंगे, उसमें कुछ कंट्री है फ्रूगल फोर, जर्मनी याद रखिएगा, है ना, जहाँ की चांसलर है। तो वो जर्मनी काफी अपने आप को समझता है कि मतलब रिच कंट्री है शुरू से ही। तो ये हमेशा कंजर्वेटिव ईयू स्टेट्स हैं, यूरोपियन यूनियन के भीतर ही है, लेकिन थोड़ा कंजर्वेटिव नेचर है, ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं लिए। तो ध्यान रखिए कि अगर कुछ ऐसा फ्रूगल फोर कर क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड बैंक ग्रीन बॉन्ड इम्पैक्ट रिपोर्ट 2019। तो ग्रीन ग्रीन बॉन्ड आप क्या होता है आपको पता होगा, ऐसा बॉन्ड जिसका इन्वेस्टमेंट आप मतलब ग्रीन फील्ड में लगाते हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है उस तरफ लगाते हैं। तो वैसे अगर बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे क्या, ग्रीन बॉन्ड बोलेंगे। और ये किसका है? तो वर्ल्ड बैंक का है, ये इनिशिएटिव है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है ग्रीन बॉन्ड इम्पैक्ट रिपोर्ट, ये किसका है? तो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है। नेक्स्ट टॉपिक इज, ये क्वेश्चन कभी कभी ये न्यूज में रहा है, डोखरा आर्ट क्राफ्ट, ये जो है कहाँ का है क्राफ्ट है पहले ये तो देख लो। नेम डोखरा इज क्वाइंड बाय द ट्राइब ऑफ डोखरा डामर हु आर सेटल्ड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ डोखरा ढोकरा क्राफ्ट। तो ये बस्तर रीजन आप जानते हो, ये छत्तीसगढ़ में रेड कॉरिडोर में आता है, ये नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये रीजन आता है बस्तर रीजन, जहाँ पे बहुत सारे अभी अंडर प्रिविलेज पीपुल रहते हैं, वहाँ पे एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, चाहे हॉस्पिटल्स का जो बेसिक नीड्स है वो सब नहीं है, लेकिन ये आर्ट उस एरिया से आ रहा है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ट्राइब ऑफ ढोकरा कुछ अगर ऐसा कुछ पूछ दे तो आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है इसलिए मैं यहाँ पे डाला हूँ। ये लॉस्ट वैक्स प्रोसेस ऑफ मेटल कास्टिंग, यही प्रोसेस यूज होता था आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी, आप हरप्पन एज में आप देखोगे काफ़ी सारे मूर्तियाँ वहाँ पे बनी हुई है, एक डांसिंग गर्ल नाम से है। तो अगर आप ध्यान रखोगे तो एक ब्रॉन्ज का आइटम, ब्रॉन्ज का बना हुआ है। ब्रॉन्ज किसका अलॉय होता है? कॉपर प्लस जिंक प्लस कॉपर या कॉपर प्लस टीन, आप कमेंट करके मुझे बताओ। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन याद रखना चाहिए कि ब्रॉन्ज का है ये, डांसिंग गर्ल नाम का इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो यूज हुआ था। लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, इसमें करते क्या है, एक कास्टिंग करते हैं, ठीक है, एक बना देते हैं और बाद में हम उस मोम को गला देते हैं, उसके बाद मेटल जो होता है सो क्या होता है अपना पूरा का पूरा तैयार हो जाता है, वो शेप बन जाता है। तो लॉस्ट वैक्स प्रोसेस होता है ये, बहुत इंडस वैली सिविलाइजेशन के जमाने से चलते आ रहा है, ढोकरा आर्ट में भी इसका यूज होता है। ठीक है, विद देयर गोल्डन फिनिश ये है, तो ऐसा कुछ आएगा तो आप कर लोगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक चीज की, डापोरजी विलेज ब्रिज ऑन सुबर्णश्री रिवर, सुबर्णश्री किसका ट्रिब्यूटरी है ये आपको जानना चाहिए, ब्रह्मपुत्र रिवर का ट्रिब्यूटरी है। तो
डापोरजी ब्रिज है सो बना है सुबर्णश्री रिवर पे, ना कि ये बना है लोहित रिवर पे, तो ध्यान आपको रखना चाहिए। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि COVID-19 के और टाइम में भी BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉर्डर एरिया में जो रोड्स वगैरह होता है, पुल होता है, वो BRO हमारा जो इंडियन आर्मी का एक यूनिट है, वही इसमें इंजीनियर वगैरह रिक्रूट होते हैं, तो वो इस चीज़ को बनाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजिक अरुणाचल प्रदेश, अभी आप जानते हो कि इसका इसका जो बॉर्डर लगता है वो चाइना के साथ लगता है, और चाइना के साथ काफ़ी हमारा अभी रिलेशन ख़राब हो गया है ड्यू टू गलवान वैली जो कांड हुआ, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए, है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपको हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस एरिया में है, अरुणाचल प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है उसको बढ़ाना, ठीक है। फिर से लद्दाख एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है, पुल वगैरह बनाना, तो वो बॉर्डर एरिया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ बनाते रहता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि COVID-19 के टाइम में भी अरुणाचल प्रदेश में ये बहुत जल्दी है इस चीज़ को बना दिया गया था 20 से 25 दिन में, और इसका उद्घाटन भी हो गया है। तो डापोरजी ब्रिज के बारे में अगर पूछेगा तो आपको सुवर्णश्री रिवर याद रखिएगा, इतना ही काम का है, ठीक है। एक डिजीज है चागास डिजीज, अब आप बताओगे चागास एक आइलैंड भी है, तो वो आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है, पैसिफिक ओशन में है कि इंडियन ओशन में है, कमेंट करके आप बताएंगे। तो चागास डिजीज जो है सो इसको अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियानेसिस भी बोलते हैं, और ये किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। और लैटिन अमेरिका कंट्रीज 21 लैटिन अमेरिका कंट्रीज में ये अफेक्टेड है, और ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है। इसको किसिंग बग भी बोलते हैं, क्योंकि बग आता है आपका स्किन पे, चाहे आपके चीक्स पे, वहाँ पे काटता है, ठीक है, और उसके बाद वो है सो फिर चागास डिजीज है, सो अपना काम करना शुरू होता है। तो ये ब्लड सकिंग, ये देखो ब्लड सकिंग ट्राइटोमाइन बग बग है, इसके कारण ये होता है, ये वेक्टर डिजीज है। और मतलब वेक्टर बॉर्न डिजीज क्या होता है, जो इंसेक्ट से काटने से हो, चाहे कोई एक वेक्टर मतलब कोई कैरियर हो उसका, है ना, उससे होता है। जैसे कोरोना वायरस वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है, मच्छर वच्छर काटने से नहीं होता है, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है। तो चागास डिजीज इसको किसिंग बग भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये न्यूज़ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या आया था, ये क्लिनिकली क्यूरेबल डिजीज है, ट्रीटमेंट इनिशिएट अगर कर दे अगर अर्ली स्टेज में तो, है ना। इन द रीजन ऑफ अमेरिका इज मेनली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू इन्फेक्टेड फीसेस, फीकल मैटर से होता है, ठीक है, और चाहे ऑफ द ब्लड सकिंग ट्राइटोमाइन बग। तो इसका फीकल मैटर जब आपको जो सक करता है आपके ब्लड को, वहां पे फीकल मैटर अपना छोड़ देता है, उससे आपका इन्फेक्शन लगता है और वो चागास डिजीज हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज हेयर, त्रिम्बक्तु क्या है ये, ठीक है। तो त्रिम्बक्तु एक प्लेस है आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होता है, पहला तो ये चीज़ है। तो उसी जगह पे अभी कुछ साइंटिस्ट हैं जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर के हैं, तो इन्होंने मतलब डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक माइक्रोवेव्स बैकग्राउंड रेडिएशन, ठीक है, इसको करने के लिए वहाँ पे अपना सेटअप लगाया है, छोटा सा सेटअप है, अगर आप गूगल में सर्च करो तो आपको दिखेगा, ठीक है। और ये जहाँ पे रेडियो वेव्स नहीं आए, है ना, अब बताओ कमेंट करके, रेडियो वेव बड़ा होता है, ज़्यादा वेवलेंथ का होता है कि इंफ्रारेड वेव होता है, ठीक है, और फास्ट टैग जो टैग होता है, ये सब मैं बोलता हूँ, ये इस सब चीज़ के बारे में आप थोड़ा रिसर्च भी करो। फास्टैग किस पे काम करता है, इंफ्रारेड फास्टैग होता क्या है, पहले फास्टैग जो कार में आप देखते हो चिप जो लगा हुआ होता है आगे में सटा हुआ होता है स्टिकर, है ना, जो टोल वगैरह पे जाके वहाँ पे उसका पैसा कटता है, ठीक है, ऑटोमेटिक कट जाता है, वो रेगुलेट कौन करता है, और वो बताओ कि इंफ्रारेड से होता है या रेडियो वेव्स होता है, कमेंट करके आप मुझे जवाब दीजिए।
an answer an area where there is virtually no interference from the signals produced from the modern technology like mobile TV etc. तो आपको ये ध्यान क्या रखना है कि त्रिम्बकतु जगह कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज में रहा है तो इसलिए मैंने इसको डाला है। अब यहाँ देखो त्रिम्बकतु के बारे में मैंने बोला है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे बेस्ट प्लेस है ये, हु बिलीव इन द प्रैक्टिस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हो सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज हो रहा हो, 100% ऑर्गेनिक हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में ऐसा कि पेस्टिसाइड का यूज नहीं हो रहा है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे क्या है कि पेस्टिसाइड्स का यूज बिल्कुल जीरो होगा, लेकिन अगर बात करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तो उसमें पेस्टिसाइड का यूज हो सकता है, कम लेवल पे होगा, उतना नहीं होगा कि परकोलेशन होके आपका जो ग्राउंड वाटर है उसको वो इन्फेक्ट करे, वहां पे जाके उसमें जो हैवी मेटल्स है वो परकोलेट होके नीचे जाए, चाहे नाइट्रोजन का अमाउंट नीचे जाए वहां पे, ठीक है। तो जो भी चीज़ है जो कि बीमारी फैला सकता है, जो कि आपको धीरे धीरे मतलब आपके फूड चेन में जा सकता है ना, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज डिफरेंट थिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज डिफरेंट थिंग। देर आर सम कॉमन रीजन्स बिटवीन दीज टू थिंग्स, ठीक है, कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में एक पार्ट हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग भी, इन ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर बात करूंगा तो वो बहुत छोटा सा पार्ट है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आपको हो जाएगा लैंड डिग्रेडेशन का भी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन 100% जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिक ही हो, आप कुछ पोटास वगैरह का खाद वगैरह यूरिया थोड़ा बहुत डाल सकते हो, है ना, बिल्कुल बैन नहीं है। तो ये त्रिम्बकतु जगह है, याद रखिएगा, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कि इतना डिटेल में करेंगे, बस याद रखिए कि ये त्रिम्बकतु है। यहाँ पे क्या है कि एक्चुअली ये एयर जो है सो क्लीन है, स्काई क्लियर होता है, प्रैक्टिकली नो नॉइज, क्रूशियली द प्लेस हैज मिनिमल फुटप्रिंट्स ऑफ मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी, मतलब जो आप मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी जो आप यूज करते हो, वायरलेस फोन हो गया, चाहे आपका वहाँ पे जो टावर है, नेटवर्क है, वो सब अगर नहीं होगा तो क्या होगा, आपका किसी भी टाइप का वेव इंटरफेरेंस नहीं होगा, वेव इंटरफेरेंस नहीं होगा तो जो आप सिलेक्टेड वेव को स्टडी करना चाहते हो उसको आप बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। त्रिम्बकतु इज अ प्लेस इन वेयर आंध्र प्रदेश, तो याद रखिएगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क योर डाउट। आप अपना डाउट वगैरह पूछते रहिए। अब हम बात करेंगे अरब लीग के बारे में, दो चीज इंपॉर्टेंट है, अरब लीग एंड जीसीसी, ठीक है। तो अरब लीग के बारे में यहां पे आ गया है, तो अरब लीग जो चार्टर ऑफ अरब लीग जिसको बोलते हैं कि पैक्ट ऑफ लीग ऑफ अरब स्टेट्स इज द फाउंडिंग ट्रीटी ऑफ अरब लीग, ठीक है। तो चार्टर ऑफ अरब लीग से बना है ये, अडॉप्ट किया गया है कब, 1945 में, और इसके कंट्रीज कौन कौन से थे, शुरू में मात्र 6 कंट्री थे, अभी कौन कौन से कंट्री है, 22 कंट्री है इसमें, ठीक है। अफ्रीकन एमोंग द लार्जेस्ट एरिया, इसमें कौन कौन, सूडान है, अल्जीरिया है, लीबिया है, लार्जेस्ट कंट्री वेस्टर्न एशिया, सऊदी अरबिया भी है। तो इसमें ध्यान क्या क्या रखना है आपको, कौन कौन से कंट्री है जो आप जानना है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है, यमन है, सीरिया को सस्पेंड कर दिया गया है तो सीरिया अब नहीं है इसका मेंबर, कतर इसका मेंबर था, ठीक है, इस ये भी कतर भी निकल गया है यहाँ से, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। कुवैत है, जॉर्डन है, इराक है, ईरान है क्या इसमें, ईरान इसका मेंबर नहीं है, यहाँ देखिए कि ईरान इसका मेंबर नहीं है, अरब लीग का मेंबर जो है सो आपको ईरान दिख रहा है कहीं नहीं है। इंडिया भी अरब लीग का मेंबर नहीं है लेकिन ऑब्जर्वर स्टेट है इंडिया, तो ध्यान रखिएगा इसको। और इम्पोर्टेंट क्या है, ये कतर इसका निकल गया है, अभी
सॉरी, एक बार इसको चेक कीजिए कतर इसका अभी मेंबर है कि नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी करेंटली एज ऑन 2020 देर आर 22 मेंबर कंट्रीज, तो कतर भी है, तो सऊदी अरबिया है ही इसका। तो यहाँ पे मेंबर कौन सा है? इराक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेंबर कंट्री जो एक आता है जीसीसी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, कॉपरेशन काउंसिल, ठीक है, तो गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज होगा जीसीसी। इसमें मेंबर आपका ईरान नहीं है और इराक भी नहीं है। ठीक है, जीसीसी भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी कभी आते रहते हैं। तो इज ईरान मेंबर ऑफ अरब लीग? तो ईरान इज नॉट द मेंबर ऑफ अरब लीग बिकॉज ईरान इज नॉट एन अरब नेशन। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। देयरफॉर इट वुड काइंड मिस द पॉइंट इफ ईरान ज्वाइंड इट। यू माइट आस्क व्हाई इट डज नॉट ज्वाइन जीसीसी, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, एज वेल वेल बिकॉज पीजीसीसी मतलब पर्शियन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक्सप्रेसिवली क्रिएटेड टू काउंटर ईरान। ये इंपॉर्टेंट है। तो ईरान और इराक दोनों मेंबर नहीं है, किसका? जीसीसी का। लेकिन आप अरब लीग देखोगे तो यहाँ पे इराक इसका मेंबर है, तो इंपॉर्टेंट आ जा हो जाता है ये। तो ऐसे ऑप्शन वहाँ पे रहेंगे जिससे आप बहुत आसानी से एलिमिनेट कर पाओगे चीज़ों को। जीसीसी आ गया, आप जीसीसी में मेंबर देखो, आप सऊदी अरबिया है, कुवैत है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, कतर है, बहरीन है, ओमान है। ठीक है, तो जीसीसी वाज एस्टेब्लिश इन रियाद सऊदी अरब इन 1981। पर्पस ऑफ जीसीसी क्या था? अचीव यूनिटी अमॉन्ग इट्स मेंबर बेस्ड ऑन देयर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटीज विच आर रूटेड इन द अरब एंड इस्लामिक कल्चर। तो इसका मेंबर पाकिस्तान भी नहीं है, ईरान भी नहीं है, इराक भी नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। पर्शियन गल्फ आपको यहाँ पे दिख रहा है, कुवैत हो गया, कतर है, यूएई है, ओमान इसका मेंबर है, ओमान भी मेंबर है। तो जो भी ये पर्शियन गल्फ के आसपास का जो रीजन का एरिया है वो सारा कंट्रीज में होगा। ठीक है, पर्शियन गल्फ क्या है? यहाँ पे है। इस स्ट्रेट का नाम आप बताओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये। ठीक है, अपना इंडिया क्या कर रहा है? ईरान में बना रहा है एक पोर्ट, तो ईरान किधर है इसमें? ईरान इस तरफ आता है, यही इसी एरिया में जो है सो अपना इंडिया है, सो वहाँ पे पोर्ट बना रहा है, जिसको कि अभी आप न्यूज़ में सुने होंगे रिसेंटली कि ईरान जो है सो कैंसिल कर दिया है उस प्रोजेक्ट को। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इनिशिएटिव। सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2010 बाई यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एस्टैब्लिश थ्री ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स टू अकॉम्प्लिश बाई 2030। तो ये पूछ सकता है कि आपको सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल किसका किसका है? ये वर्ल्ड बैंक है, अदर ऑर्गेनाइजेशन है इसका फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन, और ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल इसको एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो ग्लोबल एनर्जी इफिशेंसी को बढ़ाने का, रेन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना है, तो ये अगर क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको टिक कर सकते हो वहां पे। सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर फास्टर एक्शन टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट COP21, COP21 का इनिशिएटिव था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट विच कॉल्स फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन टू लिमिट, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस से प्री इंडस्ट्रियल लेवल से कम होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक एंड यूएन कंबाइंड पार्टनरशिप है वर्ल्ड बैंक और यूएन का। अब ये चीज बताओ आप कि जो पेरिस एग्रीमेंट है, COP21 का जो पेरिस एग्रीमेंट है, तो क्या लीगली बाइंडिंग है या लीगली नॉन बाइंडिंग है? ये चीज कमेंट करके आप बता सकते हो।
आप इन रिसेंट ईयर जो कोरोना से पहले, मतलब जो रिसेंट पास्ट बोलो, जो इसी साल में कोरोना फेज से पहले सीएए का बहुत विरोध हुआ था, क्यों? तो क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने कह दिया था कि हम एनपीआर कराएंगे। तो एनपीआर क्या होता है, ये चीज़ आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो एनपीआर किसको कैप्चर करता है, कौन सा इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका सैंपल लेगा, ये सारी चीज़ आपको क्वेश्चन में आ सकता है। तो एनपीआर क्या है, तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। तो क्या इसमें फॉरेन कंट्री के जो लोग यहाँ पे रेसिडेंट के रूप में हैं वो यहाँ उनका कैप्चर होगा, तो होगा। तो रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, नॉट सिटीजन्स, ठीक है? जो भी सिटीजन्स तो होंगे ही, सिटीजन्स प्लस रेसिडेंट्स, तो सिटीजन्स तो रेसिडेंट बाई डिफॉल्ट आएंगे, लेकिन क्या है कि आपको एनपीआर में बाहर के जो फॉरेनर है, अमेरिकन है कोई, वो इंडिया में रह रहा है, तो वो क्या हो गया, रेसिडेंट होगा, तो उनका भी लिस्ट इसमें आएगा, ठीक है? किसके प्रोविजन के अंदर में, सिटीजनशिप एक्ट 1955 और सिटीजनशिप रूल्स 2003, इन दोनों के प्रोविजंस के अनुसार आएगा। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी इंडिविजुअल रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द एनपीआर। एज यूजुअल रेसिडेंट इज डिफाइंड फॉर द पर्पस ऑफ एनपीआर एज ए पर्सन हु हैज रिजाइडेड इन अ लोकल एरिया फॉर पास 6 months और ए पर्सन हु इंटेंड्स टू रिजाइड इन दैट एरिया फॉर द नेक्स्ट 6 months और नॉट। तो ऐसा कुछ आपको डेफिनेशन भी पूछ सकता है। ये कौन करता है ये सेंसस, ये सेंसस कौन करेगा, तो आपको मॉस्पी वहां पे दे देगा ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये नहीं करता है, ये गृह मंत्री अमित शाह का जो ऑफिस है, मिनिस्ट्री है, उसी मिनिस्ट्री के भीतर में ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया बैठता है, ठीक है? तो वही इस चीज को ऑर्गेनाइज कराएंगे और पूरा सैंपल सर्वे लेंगे। ओके, तो डेटा फॉर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वाज कलेक्टेड इन 2010 अलोंग विद द हाउस लिस्टिंग फेज ऑफ सेंसस ऑफ 2011 में, आपको याद होगा तो एक बार एनपीआर हुआ था, है ना? और अभी हाल के दिन में आसाम में हुआ था एनपीआर, तो इसको ये पूरे कंट्री में लागू कराना चाहते हैं। इसमें ये सारा चीज पूछा जाएगा, जो बेसिक चीज है, नेम ऑफ पर्सन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सेक्स, बर्थ, मैरिटल स्टेटस, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है? तो नाउ इट हैज बीन डिसाइडेड टू अपडेट द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर विद द हाउस लिस्टिंग फेज ऑफ सेंसस 2021 ड्यूरिंग सितंबर 2020 इन ऑल स्टेट। तो अभी जो कोरोना आ गया और इतना सारा इसमें प्रोटेस्ट हो गया, तो इसको अभी होल्ड पे रख दिया गया है। तो देखिए फ्यूचर में कब होता है एनपीआर। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपका कौन सा मंत्रालय है जो इस चीज़ को कराएगा, कौन सा ऑफिस है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एनएसएसओ लिख सकता है वहाँ पे, सीएसओ लिख सकता है, तो ध्यान रखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है। जंगूबाई टेम्पल पिलग्रिमेज जो है, सो ये कहाँ पे है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है आपका। थाउजेंड्स ऑफ इन द कोटा परंडोली ग्राम पंचायत ऑन तेलंगाना महाराष्ट्र बॉर्डर पे है। इम्पोर्टेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये केव टेम्पल है ना, और मोस्ट रिवर्स्ड गॉडेस जंगूबाई सिचुएटेड इन द पिक्चरस्क्यू लोकेशन ऑफ द हिलॉक साइड ऑफ द हिल स्ट्रीम। याद रखिएगा कि तेलंगाना और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे ये पिलग्रिमेज सेंटर है, जंगूबाई टेम्पल, और यहाँ पे कुछ ट्राइबल्स हैं जैसे कोलम्स, गोंड्स एंड प्रधान्स ऑफ अदिलाबाद एंड नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट विल विजिट द एंशियंट केव ऑफ द मोस्ट रिवर्ड गॉडेस जंगूबाई। अब एक ये फ्लावर आप देखते होंगे, ये फ्लावर, इसको बोलते हैं हम लोग सिन्ना स्पेक्टेबल्स,
ठीक है, ये क्या है, इन्वेजिव स्पीसीज है, ये फाउंड यहाँ पे मिला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में, इंक्लूडिंग द वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज टेकिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टेप्स टू अरेस्ट द रैम्पेंट ग्रोथ ऑफ इन्वेजिव एलियन एलियन प्लांट। एलियन प्लांट ये है सिन्ना स्पेक्टेबल्स। तो ये कहाँ का स्पीसीज है, तो साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका का स्पीसीज है, अफ्रीका का नहीं है, तो वहाँ पर ऑप्शन में कुछ दे सकता है। इसको पॉपकॉर्न ट्री बोलते हैं क्योंकि दिखने में पॉपकॉर्न की तरह होता है। गोल्डन सावर ट्री भी बोलते हैं, ठीक है, गोल्डन वंडर ट्री भी बोलते हैं, और अमेरिकन कैसिया भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दे ऑफन ग्रो एज ऑर्नामेंटल इन द फ्रंट यार्ड ऑफ द पार्क्स गार्डन्स बिल्डिंग्स ड्यू टू दियर ब्राइट येलो फ्लावर दैट ब्लूम ड्यूरिंग द समर मंथ्स। ओके, प्लांट ये जो है सो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है इन द पार्ट ऑफ अफ्रीका और साउथ एशिया। डिड्यूस किया गया, निकला कहाँ से है ये, तो अमेरिका से है ना। तो इसको केरला सरकार ने इसको इन्वेजिव स्पीसीज बताया है, और इसको इसके रोक के लिए कुछ कदम भी उठाएंगे। तो ये ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है, सिन्ना स्पेक्टेबल्स क्या है, या ऑप्शन में वही कुछ कुछ लिख देगा कि ये मेडिसिनल प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है जो कि काफ़ी यूज होता है ना। एक में आपको इन्वेजिव स्पीसीज दे देगा, एक में इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट दे देगा, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो दिस। नाउ दिस तिपेश्वर सागर, तिपेश्वर टाइगर जो है सो ये कहाँ है, तो आपको जानना चाहिए। तो तिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में है, ये न्यूज में आ गया था। न्यूज में क्यों आया था, तो उसको आप देखिए। तिपेश्वर इज क्लोजली लिंक टू द टाइगर कंजर्वेशन इन द कवल टाइगर रिजर्व इन द फॉर्मर यूनाइटेड आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट इन द तेलंगाना। तो कवल टाइगर रिजर्व कहाँ है बच्चे, तो तेलंगाना में है, और तिपेश्वर टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है ना। एज द ओवरफ्लोइंग पॉपुलेशन इन द फॉर्मर क्रॉसेस ओवर द लैटर एम्बलिंग थ्रू द कॉरिडोर विच लिंक्स द टू टाइग्रेस विच हैज क्रॉस्ड पेनगंगा रिवर डिमार्केटिंग द बॉर्डर बिटवीन द टू स्टेट्स एंड इंटर्ड भीमपुर फॉरेस्ट अपेरेंटली हेडेड टुवर्ड्स द केटीआर है ना। कवल टाइगर रिजर्व में आ गया था कहाँ से, तो तिपेश्वर टाइगर रिजर्व से कुछ मंथ बैक में, ठीक है। तो वी हैव, तो क्या होता है कि जो ये सब जानवर है तो इनको आप रोक के नहीं रख सकते हो, और जो बड़ा बड़ा जो नेशनल पार्क होता है तो चाहे सेंचुरी होता है तो उसका बाउंड्री भी नहीं होता है, जो फिजिकल बाउंड्री आप बोलते हो नेट वेट लगा के, वो चीज नहीं होता है। तो क्या होता है कई बार ऐसे टाइगर का माइग्रेशन ऐसा होता है कि ये कोर जोन बफर जोन को क्रॉस करके वो जो नेटिव पीपल वहां पे रहते हैं उनके एरिया में भी कभी कभी चले जाते हैं, ठीक है। ये एलिफेंट के साथ भी होता है, और ये टाइगर लायन के साथ भी, चाहे लेपर्ड के साथ भी होता है, जो कि आप न्यूज में देखते रहते होंगे। तो ये चीज याद रखना है आपको, तिपेश्वर टाइगर रिजर्व कहाँ है, महाराष्ट्र में है, और कवल टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो तेलंगाना में है, यहाँ से यहाँ माइग्रेशन हो गया था, ठीक है। और पेन गंगा रिवर जो है सो ये दोनों क्या बॉर्डर को, दोनों स्टेट को बॉर्डर के रूप में काम करता है। कभी कभी पूछता है 8th शेड्यूल लैंग्वेज कौन कौन है, ठीक है, 8वीं अनुसूची में कौन कौन से लैंग्वेज होते हैं। तो जो जो आप लैंग्वेज आप यूज करते हो यूपीएससी का एग्जाम में एज अ सब्जेक्ट, जो आप एक एक सब्जेक्ट लेते हो, हिंदी लेते हो, चाहे कोई आप जो 22 लैंग्वेज प्रेस्क्राइब किया गया 8th शेड्यूल में, आप वही सब्जेक्ट सब लेते हो जो 8th शेड्यूल में दिया गया है। इसमें हिंदी भी है, इंग्लिश इसमें नहीं है, आप खोज के देखो इसमें इंग्लिश नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इंग्लिश 8th शेड्यूल में नहीं है, भोजपुरी भी नहीं है, काफी डिमांड हो रहा है। तुलु एक लैंग्वेज है जो काफी लोग हैं सो डिमांड कर रहे हैं इसको इंक्लूड करने का, लेकिन ये भी यहाँ पे नहीं है। बोला जाता है कि तुलु स्पीकिंग पीपल आर मोर देन संस्कृत स्पीकिंग पीपल, ठीक है, लेकिन इसको इंक्लूड अभी तक नहीं किया गया है। ये आपको केरला कर्नाटक
और तेलंगाना साइड में इसको बोलते हैं, है ना, टुलू। तो इस बार टुलू के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, काफी न्यूज में रहा है टुलू लैंग्वेज, है ना। तो नॉट इन एट शेड्यूल, एट शेड्यूल में आप देखो यहाँ पे नहीं मिलेगा। ओके, कोंकणी इज अ लैंग्वेज, कोंकणी कोंकण क्षेत्र में है ये, ईस्टर्न घाट है होगा कि वेस्टर्न घाट होगा बताओ कमेंट करके। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सब्सिक्वेंटली बोडो डोगरी एंड मैथिली संथाली जो है सो ऐड किया गया है 2004 में, तो ये भी चीज़ आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैथिली जो भाषा है जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आता है मैथिली, है ना। अब एक नया चीज है UNFCCC का, क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ किसका प्रोजेक्ट है, तो UNFCCC का है, UNFCCC। इट इज डिफरेंट फ्रॉम UNEP, UNEP से ये चीज डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है तो आप मुझे डिफरेंस बता सकते हो कमेंट करके। ओके, सो क्लाइमेट नेचुरल न्यूट्रल नाउ ये किसका है, तो यूएन क्लाइमेट चेंज का है, UNFCCC का है। तो क्लाइमेट न्यूट्रल इज लॉन्च बाय यूएन क्लाइमेट चेंज इन 2015 टू इनकरेज एवरीवन इन सोसाइटी टेक एक्शन टू हेल्प अचीव ए न्यूट्रल क्लाइमेट न्यूट्रल वर्ल्ड बाय मिड सेंचुरी एज इंस्ट्राइंड इन द पेरिस एग्रीमेंट। टू अवॉइड द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज साइंटिस्ट टेल्स दैट ग्लोबल लिमिट जो होना चाहिए सो 1.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, है ना, विच इज द सेंट्रल गोल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव रिलाइंग सोलली ऑन द गवर्नमेंट एक्शन विल नॉट बी सफिशियंट, वी ऑल हैव टू रोल अ प्ले, रोल टू प्ले। सो वी हैव रीच 1.1 डिग्री सेल्सियस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वी कुड रीच 1.5 बाई 2030, सो इट्स नीड, अर्जेंट नीड ऑफ एक्शन हमें लेना चाहिए, अर्जेंट नीड है एक बड़े एक्शन के लिए, तो वो है आपका क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। इन्वाइट्स ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट्स सिटीजन्स टू वर्क टुवर्ड्स द ग्लोबल क्लाइमेट न्यूट्रैलिटी बाई एड्रेसिंग देयर ओन क्लाइमेट फुटप्रिंट्स इन द 3 स्टेप्स। मीजर कीजिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसको रिड्यूस करने का कोशिश कीजिए, है ना, कंपेंसेट कीजिए, और यूएन सर्टिफिकेशन लीजिए सीईआर, है ना, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। ये आप बताइएगा कि सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन कब से शुरू हुआ है, क्योटो प्रोटोकॉल से हुआ है क्या, तो आप बताइए कब से हुआ है ये। ये कौन से कंट्री में यूज होता है, डेवलपिंग कंट्री या डेवलप्ड कंट्री, ये सारे मैटर जो है सो आपको शंकर आईएएस किताब में आपको मिलेगा, ठीक है। यू मस्ट विजिट शंकर आईएएस बुक बिफोर अपियरिंग टू योर एग्जाम। ग्रीन पीस क्या है, तो एक एनजीओ है, तो इसने एक रिपोर्ट किया है क्या, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, आईक्यू एयर विजन। ये भी एक संस्थाई टाइप का है जो प्राइवेट संस्था है, आईक्यू एयर, जो कि ये सॉफ्टवेयर टाइप का बनाता है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, तो ऐसा कुछ बोल देगा तो आप यूएनईपी ना मार दीजिएगा वहां पे, है ना। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट कौन निकालता है, ग्रीन पीस निकालता है। इट हाइलाइट्स द वाइड स्प्रेड बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ PM2.5 पॉल्यूशन एंड लिमिटेड एक्सेस टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन। फाइन, आईक्वी एयर इसका पार्टनर है, यूएनईपी है, यूएन हैबिटेट है, ग्रीन पीस है, ऐसा है। ये ट्रैक करता है किसको, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ट्रैक किसको करता है, PM2.5 को करता है, PM5 को नहीं करता है, PM10 को नहीं करता है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री में सबसे पहला बांग्लादेश है, फिफ्थ नंबर पे आपका इंडिया आ रहा है।
नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है ये चीज़ बताइए आप। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्ग्रेशन ऑफ एशियन एलिफेंट ड्यूरिंग द समर, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लीजिए, ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क भी कर्नाटक में है, बिग कैट टाइगर को बोलते हैं, एलिफेंट भी है वहाँ पे, ठीक है। सो वी विल टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन। आप लोग को जो भी डाउट है प्लीज आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन आंसर योर क्वेरीज। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे करंट अफेयर्स और नेक्स्ट टॉपिक जो है सो हमारा है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस। तो ऐसा कुछ कुछ चीज़ आपको पूछते रहता है एग्ज़ाम में जो कि क्लाइमेट चेंज से
रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वो। तो ये किसका है? यूनाइटेड नेशन का आप देख रहे हो, नहीं है ये, है कि नहीं? ये ईयू इनिशिएटिव है, यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इंक्रीज देयर रिसाइलेंस टू द क्लाइमेट चेंज, इसके लिए है ये, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एलायंस प्लस इज अ यूरोपियन यूनियन फ्लैगशिप इनिशिएटिव विच इज हेल्पिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज, हैविंग स्टार्टेड विथ जस्ट 4 पायलट प्रोजेक्ट्स इन 2008, इट हैज बिकम मेजर क्लाइमेट इनिशिएटिव दैट हैज फंडेड ओवर 80 प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल रीजनल एंड वर्ल्ड वाइड बियॉन्ड स्कोप इन अफ्रीका एशिया कैरेबियन एंड पैसिफिक। याद रखिएगा, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस किसका इनिशिएटिव है? तो ईयू का इनिशिएटिव है, जीसीसीए प्लस किसका? ईयू का है। एक चीज और भी देख लो यहाँ पे, जीसीसीए प्लस सपोर्ट किसको करता है? पेरिस क्लाइमेट चेंज COP21 को, इन द लाइन ऑफ 2030 एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड न्यू यूरोपियन कंसेंसस ऑन डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन आ सकता है। आर्कटिक काउंसिल, इसके बारे में हमने एक बार और डिस्कशन किया था, फिर से आ गया है ये टॉपिक। तो आप देखो आर्कटिक काउंसिल क्या है, लीडिंग इंटरनेशनल गवर्नमेंट फोरम है, इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन और इंटरेक्शन अमंग द आर्कटिक स्टेट्स और आर्कटिक इंडिजिनियस कम्युनिटीज एंड अदर आर्कटिक इनहैबिटेंट्स ऑन द कॉमन आर्कटिक इशू। ये मिलिट्री चीज को अवॉइड करना है यहाँ पे, एंड एस्टेब्लिश का हुआ था 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन से। ये डिक्लेरेशन इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से कंट्री है इसमें? आयरलैंड नहीं आता है, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, आइसलैंड आता है यहाँ पे, आयरलैंड नहीं आता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। कनाडा आता है, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स भी आता है ऊपर का इसका, यूनाइटेड स्टेट्स का जो एरिया है वो आर्कटिक रीजन में आता है, रशिया का तो इतना ज़्यादा एरिया है कि आर्कटिक में ये आ ही जाएगा, नॉर्वे है, चाइना नहीं है इसका, चाइना पार्ट नहीं है इसका, तो ध्यान रखिएगा, इंडिया भी पार्ट नहीं है। जो आर्कटिक स्टेट्स आर्कटिक रीजन में है कंट्रीज, वही सब स्टेट्स इसका पार्ट है। टीब क्या है? ये क्वेश्चन 2016 में भी आ चुका है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी। ये एक्चुअली क्या है बच्चे, तो थोड़ा सा इसका आप हिस्ट्री देख लो। TIB is a global initiative focusing on making nature's values visible. और principal objective क्या है इसका? Mainstream करना है values of biodiversity को, ecosystem service को into decision making at all levels. मतलब एक study करता है, बताता है कि benefits जो है of ecosystem और biodiversity जो है उसका क्या है, demonstrate their values in economic terms where appropriate suggestion how to capture the value in the decision making. मतलब ये जो biodiversity है उसका economics बताता है, मतलब उसका economic terms में क्या value है, ये सब चीजें बताता है। तो मार्च 2007 environment ministers formed the G8 plus 3 countries meeting in Potsdam, Germany proposed to initiate a process of analyzing global economic benefits of biological diversity, the cost of loss of biodiversity, the failure to take, मतलब GDP के टर्म्स में बायोडाइवर्सिटी को अगर देखना हो, है ना, अब पर कैपिटा इनकम के टर्म में अगर बायोडाइवर्सिटी को देखना है, इकोनॉमिक्स वैल्यूज का क्या है, तो वही चीज आई है। जी एट प्लस एट कंट्री जिसको निकाला था 2007 में, तो ये कोई UNEP वगैरह का ये इनिशिएटिव नहीं है, वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव नहीं है। तो ये क्वेश्चन 2016 में ये चीज आ चुका है, ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए। जर्मनी बेस्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड एट द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हाउस, टीब ऑफिस इज होस्टेड बाय यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम, UNEP का ही मतलब सेक्रेटेरिएट है, इसका काम करता है।
लेकिन यूएनईपी इसको स्टार्ट नहीं किया था, ये चीज याद रखिएगा। स्टार्ट कौन किया है? G8+3 कंट्रीज। तो इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, होस्ट होता है इसमें? यूएनईपी का, बेस्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। ओके, तो टी के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो इतना ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। व्हाट इज ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल? ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल क्या है? ग्रीन हाउस गैस आप जानते हो जो ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देता है, ग्लोबल वार्मिंग करता है, ठीक है? ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट्स क्या क्या है वो सारी चीज जो बेसिक है वो आप शंकर आई से आप देखते रहो। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? ग्लोबल स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क टू मीजर एंड मैनेज ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस, वैल्यू चेन्स एंड मिटिगेशन एक्शंस। वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये चीज इसको देखता है, ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल को। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बे ऑफ बंगाल लार्ज मैरीटाइम इकोसिस्टम ये क्या है? बे ऑफ बंगाल, BOBLMEP, इसको बोलते हैं BOBLMEP, बॉब लैम्प भी बोल सकते हो कुछ ऐसा। ये क्या है? तो 8 कंट्रीज कनेक्टेड वन इकोसिस्टम वर्किंग टुगेदर टू सिक्योर इट्स फ्यूचर। बे ऑफ बंगाल के साइड में जो जो एरिया है अपने इकोसिस्टम को दुरुस्त करने के लिए इस चीज को यूज किया गया है, ठीक है? तो ये किसका इनिशिएटिव है बच्चे? तो FAO का इनिशिएटिव है। यही सब चीज याद रखना है आपको कि बे ऑफ बंगाल लार्ज मैरीटाइम इकोसिस्टम प्रोजेक्ट किसका है। लार्ज मैरीटाइम इकोसिस्टम मतलब मैरीटाइम इकोसिस्टम में क्या आएगा? मछलियां आएंगी उसमें, जो कोरल रीफ्स है वो सारी चीज आएगा, जो फूड प्रोडक्ट्स होगा वो आएगा, ठीक है? तो उन सारे कंट्रीज में थोड़ा सा मतलब एक बोल सकते हो कि लाइवलीहुड का भी टर्म्स वहाँ देखा जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी देखा जाएगा। तो ये सारा चीज करता है कौन? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और GEF इसका क्या है? फाइनेंसिंग पार्टनर है। आप बताओ कमेंट करके, GEF ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी जो है कब एस्टेब्लिश हुआ था? COP कौन से COP में हुआ है? कि 1992 रायो और समिट में हुआ है, कि ड्यूरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस गोल 2012 में हुआ है? तो ये चीज आप कमेंट करके बताओ। तो देखिए इसका बैकग्राउंड देखिए, तो ओवर 400 मिलियन पीपल ऑफ बे ऑफ बंगाल एरिया डिपेंडेंट ऑन कोस्टल एंड मैरीन इकोसिस्टम फॉर देयर फूड लाइवलीहुड एंड सिक्योरिटी। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, हाई डिपेंडेंस ऑन रिसोर्स एंड इंक्रीज लैंड यूज हैज रिजल्टेड इन ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फिश स्टॉक्स, हैबिटेट डिग्रेडेशन एंड हैज लेड टू कंसिडर्ड अनसर्टेनिटी वेदर द इकोसिस्टम वुड बी एबल टू सपोर्ट द लाइवलीहुड ऑफ द कोस्टल पॉपुलेशन इन द फ्यूचर, ठीक है? तो मेनली इसका जो BOBLME का जो मतलब इनिशिएटिव का मेन पर्पज जो है, सो लाइवलीहुड को सपोर्ट करना है। और ये किसके द्वारा होता है बच्चे? तो FAO के द्वारा होता है। और इसका फाइनेंसिंग एजेंट कौन है? तो GEF है। GEF के जगह पे वहां पे आपको कुछ भी दे सकता है ना? ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF दे सकता है, ऑप्शन में बना देगा। तो GCF नहीं है, GEF है। तो डिफरेंस बिटवीन GCF एंड GEF ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो इसका मेंबर कौन कौन है? मालदीव्स है, इंडिया है, श्रीलंका है। इंडिया इसका मेंबर है तो काफी इंपॉर्टेंट है ना? तो बे ऑफ बंगाल के साइड साइड में जो जो कंट्री होंगे वो सारे आएंगे। म्यांमार है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है। मलेशिया म्यांमार दोनों है, MM दोनों है ना? तो आप इसके कंट्रीज और आप कोई ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बताओ जिसमें ये सारे कंट्रीज भी आते हैं। बिम्स्टेक नाम सुना है आपने? सुना होगा नाम। बिम्स्टेक का ऑर्गेनाइजेशन आप देखो, उस बिम्स्टेक में किसका किसका मेंबर, ये सब में से कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, उस चीज को आप कमेंट करके बताओ। थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में होगा, है ना? तो ऐसा भी हो सकता है कि बिम्स्टेक का इनिशिएटिव है। तो
ऑप्शन ऐसे ही बनाते हैं एग्जाम में, ऑप्शन जो बनाएंगे सो आपको आसपास का ही चीज से ऑप्शन बनाएंगे जो आपको कंफ्यूज करेगा। जब तक आप डिटेल में उसका स्टडी नहीं करोगे, मैं बार बार बोलता हूँ, तो प्रीलिम्स क्लियर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। अभी भी समय है, थोड़ा सा ध्यान से उसको देखिए। मैंने चार वीडियो, ये वीडियो चौथा वीडियो है, तो इससे पहले तीन वीडियो रिलीज हो चुके हैं, उन वीडियोस को देखेंगे तभी आपको लगेगा कि हाँ जो पढ़ा हुआ चीज़ है वो रिवाइज हो जाएगा, कुछ नया चीज़ मिलेगा, एड ऑन हो जाएगा, वैल्यू एडिशन हो जाएगा, आप एग्जाम में जाओगे अच्छे मार्क्स वहाँ पे स्कोर कर पाओगे। ठीक है, सो बीओबी एलएमई प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय जीईएफ, नॉर्वे, स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एफएओ, पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट्स, ये सब है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने आज देखा है, 10-12 टॉपिक देखा। तो होप्स हो ऐसे क्वेश्चंस जो है सो एग्ज़ाम में आपको अपीयर होंगे, और एग्ज़ाम में आप इन चीज़ों को अगर अपीयर होते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से देख के क्रैक कर पाओगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वेरी सेशन, और वी विल हैव सम मोर सेशन इन द कमिंग फ्यूचर, इन द वीक इटसेल्फ वी विल हैव 3-4 सेशन इन ऑर्डर टू कवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, द रेस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर प्रीलिम्स 2020। Thank you for joining this session. Jai Hind.